हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएसएफडी। यूएसएफडी देखिए दोस्तों, यूएसएफडी का जो फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन, इसका फुल फॉर्म होते हैं। इससे आज हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यूएसएफडी मशीन किस तरह से काम करते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया हूँ, वो मशीन का दो 3 मिनट का वो वीडियो है, वो भी वीडियो के अंत में मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से पता चल सके कि यूएसएफडी मशीन को कैसे चलाए जाते हैं, उसे क्या चेक करते हैं, नहीं चेक करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेके आप लोग को वीडियो में बता रहा हूँ। इससे पहले जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं यूएसएफडी से, हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद वो वीडियो भी दिखाएंगे आप लोग को किस तरह काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इस तरह के रोज़ ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि पटरियों के निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले सामग्री दोष क्या होता है। पटरी का जब निर्माण करते हैं तो वहाँ पर पटरी के निर्माण में सामग्री दोष क्या होता है, पटरी का जब निर्माण होता है तो वहाँ पर सामग्री दोष क्या होते हैं। तो वहाँ पर देखिए इसमें जो है ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें होते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि वह धातु का समावेश है, हाइड्रोजन फ्लेक है और गाइड मार्क है उपयुक्त। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ये सभी दोष जो है इसमें होते हैं। फिर कहते हैं कि गलत हैंडलिंग के कारण पटरियों में डैश खराबी आ जाती है। देखिए हैंडलिंग के कारण जो है ना डेंटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ऐसे भी याद रखेगा हैंडलिंग डेंटिंग, हैंडलिंग डेंटिंग, तो गलत हैंडलिंग, इसका उत्तर जाएगा डेंटिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि दोषपूर्ण वेल्डिंग से जुड़ी खराबियां और डैश होती है, दोषपूर्ण वेल्डिंग से जुड़ी खराबी क्या होते हैं। तो देखिए फ्यूजन के कमी के कारण जो है दोषपूर्ण वेल्डिंग में खराबी हो जाती है, तो बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। दोषपूर्ण वेल्डिंग होने का कारण क्या है, फ्यूजन की कमी होती है। फिर देखिए कहते हैं कि क्रैक 10 से 20 मिमी दरार की गहराई पर रेल टेबल के समांतर चलती है और अंत में सामग्री परत को विभाजित कर सकती है, जिसे डैश दरार कहा जाता है। तो देखिए इसका जो उत्तर जो होता है 36 इसका सही उत्तर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से 20 मिलीमीटर दरार की गहराई पर रेल टेबल के समांतर चलती है और अंत में सामग्री परत को विभाजित कर सकते हैं, जिसे 36 दरार कहा जाता है। 36 दरार किसे कहा जाता है, 36 दरार का ये परिभाषा है, आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वेल्ड पर गलत प्रकार के किए जाने वाले वेल्डिंग के कारण जोड़ों पर और साथ ही गर्मी प्रभावित क्षेत्रों में HAZ में कई प्रकार की खराबियां आ जाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए वेल्डों पर गलत प्रकार के किए गए वेल्डिंग के कारण जोड़ों पर और साथ ही गर्मी प्रभावित क्षेत्रों में कई प्रकार की खराबियाँ आती हैं। अगर वेल्डों पर गलत प्रकार से वेल्डिंग की जाती है तो गर्मी के दिन में और वो ज़्यादा खराबी होते हैं, तो क्या क्या उसमें खराबी होते हैं। देखिए उसमें फ्यूजन की कमी हो जाती है और संरंध्रता आ जाती है, स्लैग का होना हो जाता है, यानी उपयुक्त में सभी इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं रेल की खराबियों या विफलता के कोडिफिकेशन में देखिए 211 का अर्थ क्या है। यहाँ पे ये चीज़ खाली याद रखिएगा कि 211 का अर्थ क्या है। तो देखिए 211 का कोड है यहाँ पे बिल्डिंग से जुड़ी हुई, तो हेड में आंतरिक दोष होना और आड़े में टूटना, ये ए नंबर जो है इसका उत्तर सही हो जाएंगे। 211 का अर्थ है हेड में आंतरिक दोष होना और आड़े में टूटना, यह सही इसका उत्तर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि रेल की खराबी की विफलता के कोडिफिकेशन में कोड 212 का अर्थ क्या होता है। वहाँ पे देखिए दोस्तों 211 का अर्थ हम पढ़े थे कि हेड में आंतरिक दोष होना और आड़े में टूटना, लेकिन यहाँ पे क्या है 212 का पूछ रहा है, तो 212 का अर्थ होता है बी नंबर इसका सही हो जाएगा, हेड में आंतरिक दोष होना और 36 दराज इसके सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे 411 का पूछा गया कि 411 का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों देखिए 411 का जो अर्थ होता है ये होता है वेल्डिंग फ्लैश बट ज्वाइंट ट्रांसवर्क क्रैक होता है। चलिए मैंने आपको ऑप्शन भी देखिए दिखा देता हूँ, जो ये इसका जो उत्तर होते हैं दोस्तों ये होते हैं सी नंबर इसका उत्तर सही होते हैं, ये वाला देखिए वेल्डिंग फ्लैश बट ज्वाइंट ट्रांसवर्स क्रैक इसका सही उत्तर होते हैं सी नंबर। फिर कहता है बेल्ट की खराबियों या विफलता के कोडिफिकेशन में 221 का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे आ गया 221, तो 221 का अर्थ होता है देखिए वेल्डिंग थर्मिट ज्वाइंट ट्रांसवर्स क्रैक,
बेल्डिंग थर्मिट ज्वाइंट ट्रांसवर्स क्रैक इसका 411 का अर्थ होते हैं। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि कौन सी कोड की क्या मतलब होता है। फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे 211 का अर्थ क्या होता है। 211 का अर्थ होता है हेड में आंतरिक दोष होना, आड़े में टूटना। 212 का अर्थ होता है हेड में आंतरिक दोष होना और क्षैतिज दरार। 411 का अर्थ क्या होता है, तो 411 का अर्थ देखिए होता है कि बेल्डिंग फ्लैश बेट ज्वाइंट ट्रांसवर्स क्रैक, और 421 का अर्थ है कि बेल्डिंग थर्मिट ज्वाइंट ट्रांसवर्स क्रैक। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि रेल रेल की खराबियों या विफलता के कोडिफिकेशन में 500 का अर्थ क्या होते हैं। 500 का अर्थ क्या होते हैं, तो बताइए कि रेल की खराबियों में विफलता के कोडिफिकेशन में 500 का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे 500 का अर्थ क्या होते हैं। तो बताइए 500 का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं संरक्षण बोलते हैं। 500 को क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। फिर कहते हैं कि यूएसएफडी जांच एक प्रकार का की जांच है। यूएसएफडी जांच एक प्रकार किस प्रकार की जांच है, तो यूएसएफडी जांच जो है वो आर यहाँ पे देखिए ये यूएसएफडी जांच जो ध्वंसकारी जो होते हैं ये जो है ध्वंसकारी होते हैं। फिर कहते हैं कि रेल की अल्ट्रासोनिक जाँच एक विशेष गतिविधि है और रेलों का अल्ट्रासोनिक जांच करने वाले निरीक्षणों को यूएसएफडी जांच की तकनीकी डैश द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो देखिए इसको किसके द्वारा प्रशिक्षित करना चाहिए, अगर रेल की अल्ट्रासोनिक जांच विशेष गतिविधियां और रेलों में अल्ट्रासोनिक जांच करने वाले निरीक्षण को यूएसएफडी जाँच जो है इसका जो तकनीकी जो है तो ये RDSO करते हैं दोस्तों। इसका जो होते हैं RDSO द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है जो ये लोग का जो यूएसएफडी मशीन चलाने वाले जो होते हैं उनका जो प्रशिक्षण जो करवाते हैं वो RDSO द्वारा कराए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि यूएसएफटी जांच में डैश रेल टेस्टर का एक समय में केवल एक ही प्रकार की जांच करने में सक्षम होते हैं। यूएसएफटी जांच में डैश रेल टेस्टर एक समय में केवल एक ही रेल जाँच करने में सक्षम होते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, केवल एक रेल का बात कहे गए हैं इन्होंने। केवल एक रेल, अगर केवल एक रेल रहे तो इसका एकल ही उत्तर होते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे दोनों रेल यहाँ पे दिया गया रहे, देखो यहाँ पे दोनों रेल नीचे में ऑप्शन में दिया गया है, यूएसएफडी जांच में डैश रेल टेस्टर का एक समय में दोनों रेल की जाँच, अगर दोनों रहे तो दोनों उत्तर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ईजी है दोस्तों, अगर एक रहे तो एक उत्तर दीजिएगा, दो रहे तो दो उत्तर दीजिएगा। तो देखिए ईजी है, इस तरह से आप लोग को वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रिक आदमी से सीखते ही जाइएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो है कि किसी आदमी से किसी को नुकसान नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ तो एक बार वीडियो देखने से अगर एक भी क्वेश्चन आप सीख जाते हैं तो समझिए कि वीडियो देखना समय एक काम में लग गया सर दोस्त, अच्छा हो गया समझिए, यानी समय आपका बर्बाद नहीं हुआ, यानी एक कुछ ना कुछ आपको फायदा वीडियो से हो ही गया। ठीक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रेल की यूएसएफटी जांच में कितने प्रोब का उपयोग किए जाते हैं। यूएसएफटी जांच में कितने प्रोब का उपयोग किए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों जीरो भी किए जाते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस भी किए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ कहते हैं कि रेल के यूएसएफटी जांच में कितने प्रोब का उपयोग किए जाते हैं, तो देखिए जीरो, 70 डिग्री 70 डिग्री, GFC, ये सभी का प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फिर कहते हैं कि रेल के यूएसएफडी जांच में खराबियां को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगर यूएसएफडी खराब ही होते हैं तो उसमें किस में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो IMR और IMRW और OBS और OBSW के रूप में इसको, यानी C नंबर उत्तर ए और बी दोनों इसका उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएसएफडी खराबियों का अंकन डैश रंग से पेंट किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यूएसटी के जो खराबी होते हैं उसको कौन से किया जाते हैं, तो लाल, इसका लाल पेंट से किया जाते हैं। यूएसएफडी की खराबियों को लाल रंगों से पेंट किए जाते हैं। फिर कहते हैं कि OBS और OBSW के लिए यूएसएफडी में रेल खराबी गलतियाँ लाल पेंट से डैश के रूप में अंकन किया जाता है। देखिए OBS या OBSW रहे तो इसको कौन सी कितने मतलब से कि पेंट किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक लाल क्रॉस किए जाते हैं, एक प्लस इसका अर्थ होता है। उसी प्रकार अगर IMR IMRW के रूप में
यूएसएफडी जांच में खराबी गलतियां पैंट किस रूप में अंकित किया था, यानी कहता है कि अगर ओबीएस और ओबीएस डब्ल्यू रही तो कितना प्लस मार्क ले आए थे, तो एक एक लगाए थे, अगर यहाँ पे आईएमआर और आईएमआर डब्ल्यू रहे तो कितना प्लस मार्क्स लगाए जाते हैं। तो ये जो है दोस्तों इसमें जो है 3 प्लस मार्क्स लगाए जाते हैं, ये सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई एम आर और आई एम आर डब्ल्यू के रूप में यू एस एफ डी गलतियों के अंकन के बाद इनमें से कौन से तुरंत 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए अगर आई एम आर और आई एम आर डब्ल्यू का खराबी निकलते हैं पटरी में तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा का जो स्पीड कौन लगाएगा, तुरंत प्रतिबंध इसमें कौन करेगा, ये इसमें कहना है इसका। अगर इस तरह के दोष इसमें मिल जाते हैं तो इसमें कौन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो यू एस एफ डी जे ई जो होते हैं, यू एस एफ डी जे ई एस एस ई, वो जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तुरंत जो है प्रतिबंध लगाएंगे। अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के बात हुए अगर आई एम आर रहे तो ये यू एस एफ डी जे ई करेंगे, क्योंकि ये डेंजरस होते हैं ये मार्क्स। फिर कहते हैं कि ओ बी एस या ओ बी एस डब्ल्यू एस एफ डी अंकन पर प्रतिदिन गश्त के दौरान ध्यान देना जाना चाहिए जब तक कि फिस प्लेट को डैश द्वारा जगल नहीं किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओ बी एस या ओ बी एस डब्ल्यू को अंकन पर प्रतिदिन गश्त के दौरान ध्यान देना चाहिए जब तक कि फिस प्लेट को डैश द्वारा पहरेदार जगल नहीं किया जाता है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा कीमेन जो है दोस्त ये सही हो जाएगा, ओ बी एस का जो मार्क्स जो लगा के वो लोग चलते हैं तो ये क्या करते हैं कीमेन उस पर ध्यान दे करके इसके बाद कीमेन के द्वारा जगल नहीं किया जाता है, फिस प्लेट को कीमेन के द्वारा जगल नहीं किया जाता है। फिर कहते हैं कि टी 12 52 किलो 72 यूटीएस रेल की मूल्यांकित अवधि डैश जीएमटी होती है। यहाँ पे देखिए 52 किलो 72 यूटीएस है दोस्तों, तो 52 किलो 72 यूटीएस का जो कितना होता है 350 होते हैं, अगर 60 किलो 72 यूटीएस रहे तो 550 होते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहते हैं कि टी 12 60 किलो 72 यूटीएस रेल की मूल्यांकित अवधि जीएमटी क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 60 किलो और 72 यूटीएस है, तो इसका जो होते हैं डी नंबर इसका उत्तर सही होते हैं, ये डी नंबर 550 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगी 550। फिर कहते हैं कि यहाँ पे 52 किलो, वहाँ पे देखिए 60, यहाँ पे 52 72 था और 60 72 था, लेकिन यहाँ 52 90 है, 52 90 यूटीएस रेल की मूल्यांकित कार्य अवधि जीएमटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 52 और 90 है, तो 52 90 का कितना होगा दोस्तों, होती है 550 होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थे 60 किलो 90 यूटीएस रेल की मूल्यांकित कार्य अवधि जीएमटी डैश होती है, अगर 60 किलो है तो कितना होगा इसका 800 होगा दोस्तों। फिर कहते हैं बेल्टों के यूएसडी जांच में प्रोब प्रयुक्त प्रोब होते हैं, तो प्रयुक्त प्रयोग देखिए यहाँ पे 0 डिग्री 70 डिग्री 45 डिग्री उपयुक्त में सभी इसका प्रोब होते हैं, 0 45 डिग्री 75 डिग्री सभी प्रोब इसमें वेल्ड की यूएसएफडी जांच में प्रयुक्त होते हैं। फिर कहते हैं कि वेल्डों में यूएसएफडी जांच में खराबियों का वर्गीकरण किसके रूप में किया जाता है, तो देखिए ये जो होता है यहाँ पे बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला डी एफ डब्ल्यू ओ और डी एफ डब्ल्यू आर, वेल्ड की यूएसएफडी जांच में खराबी का वर्गीकरण जो होता है यहाँ पे किसके द्वारा होता है, डी एफ डब्ल्यू आर, एक ये हो गया और दूसरा आता है डी एफ डब्ल्यू ओ, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू एस एफ डी खराबी में डी एफ डब्ल्यू ओ का अंकन लाल पेंट से डैश चिन्ह से किया जाता है, तो देखिए दोस्तों ओ चिन्ह से यहाँ पे ओ से किया जाता है, ओ जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि यू एस एफ डी खराबी में डी एफ डब्ल्यू आर का अंकन लाल पेंट से डैश चिन्ह के रूप में क्या आता है। तो ये जो यू एस एफ डी खराबी में डी एफ डब्ल्यू आर का जो अंकन होते हैं वो लाल पेंट से होते हैं, तो इसके कितना मार्क्स लगाए जाते हैं दोस्तों, तो 2 जो है प्लस मार्क्स लगाए जाते हैं। फिर कहते हैं कि डी एफ डब्ल्यू ओ या डी एफ डब्ल्यू आर के रूप में यू एस एफ डी गलतियों के अंकन के बाद इनमें से कौन से तुरंत 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो 607 का जो उत्तर हो जाएगा यू एस एफ डी जे ई एस एस सी एस एस सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। फिर कहते हैं बेल्डिंग के बाद डैश में हर एक एस के वी बेल्ट की जांच की जानी चाहिए, तो एस के वी बेल्ट के जो जांच जो है तुरंत किया जाना चाहिए दोस्तों, ये याद रखिएगा कौन सा
बेल्ट का जांच तुरंत किया जाता है, तो SKV वेल्डिंग का जांच जो है वो तुरंत किया जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि SPURT क्या है, SPURT इसका फुल फॉर्म पूछे हैं दोस्तों। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, इसका फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों, यानी ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार। फिर कहते हैं कि यदि रेल विफलता प्राथमिक नवीकरण प्रीमेच्योर रेल विफलता के 10 वर्षों के अंदर होती है तो खंडित टुकड़ा विस्तृत जांच के लिए केमिस्ट और मेटालोजिस्ट को भेजा जाए। तो देखिए केमिस्ट और मेटालोजिस्ट को जो है 5 वर्ष में एक बार उसको भेजे जाते हैं, तो 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण का अगर रहे तो 5 वर्ष में उसको मेटालोजिस्ट को भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यदि रेल विफलता कार्यान्वित होने के 10 वर्ष के अंदर होती है तो खंडित टुकड़ों विस्तृत जांच के लिए केमिस्ट और मेटालोजिस्ट को भेजा जाए। तो जो है इसका एक जो है एक सही उत्तर होगा, 1 वर्ष के अंदर जो भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा वहाँ पे प्राथमिक था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि बेल्ट विफलता कार्यान्वित होने के 1 वर्ष के अंदर, यानी जब से बेल्डिंग किए और 1 वर्ष के अंदर ही टूट गया, तब उसे जो है तब उस टुकड़े को मेटालोजिस्ट केमिस्ट के पास भेजे जाते हैं, बेल्डिंग यानी किए और टूट गया। फिर कहते हैं जो सेफ्टी जांच में यदि किसी रेल में 3 क्रॉस के रूप में लाल रंग की चिन्हित किया जाता है तो इसे डैश के अंदर बदल दिया जाना चाहिए। अगर यू सेफ्टी जांच किया और वहाँ पे 3 क्रॉस समझे वो लोग लगा दिए यू सेफ्टी वाले, तो इसके जो है तीन तीन क्रॉस को 3 दिन में जो है चेंज करना पड़ते हैं, याद रखिएगा 3 दिन के अंदर ही इसको चेंज करना पड़ते हैं, 3 दिन के बाहर नहीं। तीन ऐसे तो ट्रिक से याद रह गया कि 3 है तो 3 दिन के अंदर इसका हो गया। दोस्तों मैंने 1612 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक जो थे इसके पूरे क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ दोस्तों। अभी जो जो नए सुधार होंगे वो भी करेक्शन स्लिप में अब बताना चालू करूँगा, जरूर करूँगा दोस्तों। और हम लोग का जो है अब मैनुअल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे पूरे फ्रेंड्स मिलके बना लिए हैं हम लोग, अब वो सभी मैनुअल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग यूट्यूब पर कराएंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि जो जो नए नए चीज़ का सुधार होते हैं वो चीज़ आपको YouTube के माध्यम से मिलते रहेंगे। हम सभी बहुत सारे लड़के मिल करके ग्रुप में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे सभी तरह के लड़के सभी तरह के क्वेश्चन बोलते रहते हैं, उससे कुछ नए कुछ पुराने क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को बहुत फायदे होंगे दोस्तों। सभी के विश्लेषण करने के बाद ही हम लोग YouTube पे क्वेश्चन डालते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप JEE की तैयारी करने के लिए इच्छुक है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको तैयारी में बहुत लाभ फायदा होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।